सर, हाँ जी बताओ। जो डिस्काउंट वाला था, अगर उसे लिखेंगे नहीं तो फिर वो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे? बिल्कुल आएगी प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हो जाएगी? देखो, मैंने वो डिस्काउंट वाली एंट्री, हमें जो क्वेश्चन छोड़ा था वही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ बात आई थी वो डिस्काउंट, ये वाला ना, गोपाल से जो चेक मिला, इसी के डिस्काउंट की बात कर रहे हैं ना बेटा? हाँ सुनिए, देखो, जब हमें चेक मिला तो हमने बैंक को डेबिट किया, और गोपाल को क्रेडिट किया, और डिस्काउंट हमें मिला है, नहीं, हमने डिस्काउंट दिया है ना, पैसा मिला है तो डिस्काउंट हमने दिया होगा। सर, एंट्री डिस्काउंट उसकी, रिसीव हुआ है? चल पे, अच्छा पेमेंट की है क्या हमने? सॉरी, अगर पेमेंट की है तो फिर चेंज करते हैं एंट्री को थोड़ा सा। ₹11 गोपाल डेबिट खेत में जा रही बैंक अकाउंट ये फोन ना भाई, अभी ना रे, खुद को भी बाहु बोल बता, बल्ला को बाहु बोल डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं हो तो देख लेंगे। हाँ जी एंट्री देखिएगा, ₹500 का डिस्काउंट मिला, तो गोपाल कितने से खत्म हो गया? ठीक है, हमने पेमेंट कर दी गोपाल को, समझिए इसको, एंट्री समझ गए आप? जर्नल ये थी इसकी, अगर आप जर्नल बना रहे होते तो ये करते। अब आप बना रहे हो सब्सिडरी बुक्स, तो इस एंट्री के दो पार्ट होंगे, इस एंट्री के दो हिस्से करेंगे। कैश में कौन सा हिस्सा जाएगा वो देखिए, कैश बुक में जाएगा गोपाल, गोपाल डेबिट टू बैंक, ₹36,000। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में किया जाएगा गोपाल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो लिखा तो जाएगा ये, पर कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक सर है, लेकिन जैसे हमने आप पेमेंट वैसे तो सिर्फ 35,500 की की है, तो फिर आगे जाके नहीं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना? पेमेंट हमने 35,500 की कहाँ की है? हमने पेमेंट तो देखो बैंक से कितना गया हमारे, 36,000 का चेक हमने 36 का दिया है। आप ये कह रहे हैं कि सर हमें उसने ये कहा है, आप शायद इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चन ने बोला है कि पेमेंट करने गए तब डिस्काउंट मिला। मैं समझ गया, आपने इसे ऐसे समझना है, 36 की पेमेंट करी है, कैश दिया है और 500 का डिस्काउंट है, यानी कि कुल मिला के 36,500 से हमारा क्रेडिटर कम हो गया, ये मान के चलना है। आपका प्रोस्पेक्टिव सही है, बट आपको उस अप्रोच से नहीं सोचना यहाँ पे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज है इसमें, आगे चलिए। यहां डाउट क्लियर हो गया आई बिलीव आपका,
कि सब्सिडरी बुक जब आपने बनाई तो दो पार्ट में कर लिया काम, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे, बारह तारीख को आइए, बारह तारीख को, दस ग्यारह तारीख का काम कर लिया था, बारह को क्या हुआ है? कहता है चेक रिसीव्ड ऑन 10th डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओहो गड़बड़ हो गया ये तो, हमने तो 10 तारीख को जो चेक लिया था वो बैंक में लिख दिया सीधा, तो उसे बैंक में नहीं लिखना, यानी जो 10 तारीख की एंट्री आपने की थी ना उसे हटाओ यहां से, ये एंट्री 10 तारीख वाली नहीं आएगी यहां पर, ठीक है बेटा? तो आप नोट में क्या डालोगे, ये वाली एंट्री, बिकॉज ये सेम चेक जो है आपको 10 वाला जो है ना आपने 12 को जमा कराया बैंक में, तो 10 तारीख को एंट्री क्या हुई होगी, 10 तारीख को आपकी एंट्री क्या हुई होगी बताओ? 10 तारीख को आपने लिखा होगा चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू राम, बताइए 7,230 रुपीज, जल्दी से बताओ, बात क्लियर है क्या? ये बोलिए 7,230 रुपए, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है जी, इसके आगे चलेंगे, यहां से हम लोग आगे चलना है हमें, ये लीजिए। अब हम 12 तारीख को जो एंट्री करेंगे वो क्या होगी, 12 तारीख को एंट्री होगी, जो एंट्री 10 को हुई थी उसकी जगह 12 तारीख को एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या होगी देखिए, आप लिखेंगे 12 को टू चेक इन हैंड, लिखना वही है बस रीजन बदल गया, पहले राम था अब चेक इन हैंड है, क्योंकि राम के साथ चेक इन हैंड क्लोज करना था आपको, क्लियर है ना बात, समझ में आई 12 तारीख वाली एंट्री? किसी को समझ नहीं आई हो तो मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोबारा। 12 तारीख के बाद 15 तारीख पर आ जाओ, 15 तारीख को कहता है ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड इन कैश फ्रॉम मॉडर्न हाउस, भाई कैश में खरीदा है, नाम की जरूरत नहीं है, 12,000 रुपए का फर्नीचर 15 तारीख को, आ जाइए जी 15 तारीख को, बाय फर्नीचर कितने का खरीदा है, अमाउंट क्या था, मैं अमाउंट भूल गया, 12,000, ठीक है 12,000 रुपए, ठीक है 15 तारीख का भी काम हो गया है ये। 15 के बाद आप आइए आगे मेरे साथ, पेड रेंट 16 तारीख को 550 रुपए का किराया पे किया, आइए 16 तारीख को बाय रेंट, ₹550, ठीक है जी, कुछ बोला नहीं था ना पेमेंट कैसे हुई, तो कैश में मानी हमने। फिर 18 तारीख को क्या हुआ, ड्रू चेक पर्सनल यूज के लिए, बताओ क्या एंट्री करोगे जल्दी बताओ? ड्रॉइंग्स बाय ठीक ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, 18 तारीख को बाय ड्रॉइंग्स, बहुत बढ़िया, चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक में जाएगा है ना। 18 के बाद 19 तारीख को बताओ क्या एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स टू घनश्याम ऑन क्रेडिट ₹20,000। नॉट डू नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक,
अच्छा कैश में नहीं लिखोगे तो कहाँ लिखोगे इसे बताओ, ये बताओ। अगर इसे कैश रूप में नहीं लिखेंगे तो कहां पे लिखेंगे, सवाल ये है। जवाब आपने देना है। बताइए, अगर इसे कैश में नहीं लिखेंगे हमने, सेल्स। हाँ कहाँ बताया बेटा, सेल्स बुक। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सेल्स बुक में लिखेंगे, बहुत अच्छा, सही जवाब है। चलिए 19 के बाद 20, 24 तारीख को आ रहे हैं, और ये जो बाकी बच्चे चुपचाप बैठे हैं इनका तो कुछ हो नहीं सकता, इनके लिए हम क्या करें। आजकल मुस्कान भी जवाब नहीं देती, पहले मुस्कान और श्रेया जवाब देते थे, आज के लिए चुप रहते हैं, ऐसा क्या कारण है। बताएगा मुझे कोई, पता है किसी को क्या, क्यों ये चुप बैठे रहते हैं। चलो 24 तारीख को देखो, 24 तारीख को कहता है रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम, उधार बेचा था ना 19 को, तो घनश्याम से चेक मिला 5,000 रुपए का, ठीक है, जो कि आपने तुरंत बैंक जमा करा दिया, और कैश आपको कितना मिला, 3600 रुपए मिला, और आपने उसे डिस्काउंट कितने का दे दिया, 400 रुपए का। अब देखो ये साफ साफ बात है, 3600 कैश मिला है, 20 और 5,000 का चेक मिला है घनश्याम से, 20-24 तारीख को, आइए 5 चेक 36 कैश घनश्याम से 24 तारीख को, आइए। सर 1400 बैंक में रहेंगे और 3600 रुपये कैश अकाउंट में इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ देखो कैसे करोगे आप, सुनो इसको, टू घनश्याम, चेक मिला है 5,000 का जो जमा करा दिया बैंक में, और 3600 रुपए कैश मिला है बेटा, ध्यान देना, अलग अलग मिले हैं, देखो लैंग्वेज दोबारा देखो, कहता है चेक कितने का मिला है, 5,000 रुपए का, और कैश कितना मिला है, एंड है अंग्रेजी का एंड, मतलब दोनों मिले हैं, ठीक है, और नहीं है, क्लियर है बात। और डिस्काउंट को तो आपको पता है हम यहां लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम डबल कॉलम बना रहे हैं केवल आपके साथ, ठीक है, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, नॉट इन कैश बुक, कहाँ जाएगा बताओ, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे इसको। उसके बाद 25 तारीख को बताओ क्या एंट्री करेंगे, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला 10,000 रुपए, बताइए। मैंने अमाउंट गलत कॉलम में लिख दिया बस, बताओ क्या एंट्री करोगे, स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है। अच्छा डिस्प्ले नहीं हो रही है, किसके साथ दिक्कत आ रही है ये,
आप डिस्प्ले हो रही है क्या बेटा स्क्रीन? हाँ बताइए बेटा। नहीं सर। चलो एक काम करता हूँ, डिस्कनेक्ट करके दोबारा शेयर कर देते हैं स्क्रीन को, ऐसा करते हैं। किसी को भी डिस्प्ले नहीं हो रही थी क्या? आप देखो सर आ गए, आ गई है स्क्रीन, ठीक है, वो शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी। हाँ जी, तो 25,000 को बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, तो क्या एंट्री करोगे? बाय कैश अकाउंट और इधर टू बताओ, सही है क्या? मैंने सही किया है क्या? देखिए जरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूं दोबारा से मैं आप लोगों को, ये लीजिए देखिए, 25 तारीख को, 25 के बाद फिर 25 तारीख को एक और आ गया, कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स्ड टू वाई ऑन 29th। आज हमें एक 6,000 का चेक मिला है, अब चेक इंडोर्स कर दिया है वाई को 29 तारीख को, तो जाहिर सी बात है ये चेक हमें बैंक में तो आया नहीं होगा, तो इसकी नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद 29 तारीख को जब ये चेक किसी और को दे दोगे तब भी कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उस दिन भी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है बेटा, उस दिन भी एंट्री हमारे यहां पर नहीं आएगी इसकी, ठीक है, तो इसकी एंट्री नहीं आई। 26 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, ओहो उधार में बेच डाला, नो एंट्री। 28 को कहता है मोहन से ऑर्डर मिला है, ऑर्डर समझते हो कोई डेबिट, अच्छा सॉरी मनी ऑर्डर मिला है, मनी ऑर्डर, मैं केवल ऑर्डर देख रहा हूं, सॉरी, रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसे मिले हैं हमें 300 रुपए। पहले ना चिट्ठी मतलब डाक के थ्रू पैसे आते थे, मनी ऑर्डर आया करता था, तो उसमें आए थे तो पैसे ही थे, तो मोहन से 300 रुपए प्राप्त हुए कितने को? 28 तारीख को। आइए ठीक है बेटा, इसके बाद कहता है पेड 30 तारीख को सैलरी पे की है चेक से, कितनी? 8,000 की सैलरी, चलो चेक से पेमेंट करवा दे सैलरी की 30 तारीख को, बाय सैलरी 8,000 रुपए, ठीक है जी, आई बात समझ में या नहीं आई? जवाब दीजिए, यस सर, ठीक है। अब आखिरी काम क्या बचा है इस क्वेश्चन में, बोलिए? बैलेंस करना, तो बैलेंस करना आप लोगों को आता है, कर लेंगे आप खुद से या मैं करवाऊं बताइए? बताइए बेटा,
खुद से करेंगे या मुझे करवाना है? कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुछ तो जवाब दो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ लेते हैं हम लोग नया। और क्वेश्चन ये रहा जी, उसे आप बैलेंस कर रहे हैं आप लोग और खुद से कर रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा उसको, है ना? यही तय हुआ है। चलिए नया क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में आप लोग जिस पॉइंट को बोलेंगे मैं उसी को समझाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग जरा देखें, और देखने से पहले मुझे फॉर्मेट लेकर आना है, जरा 2 मिनट आप लोगों को देने पड़ेंगे मुझे। मुझे फॉर्मेट चाहिए बैंक का, मैं जरा वो फॉर्मेट उठा लूं। ये लीजिए जी, चलिए फॉर्मेट में ले आया हूं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, और मुझे बताइए आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जो ट्रांजेक्शन दी हैं उन्हें डबल कॉलम कैश वो बनाना है, जिसमें होंगे कैश और बैंक कॉलम, यानी सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे आपके साथ कर चुके हैं, ठीक है बेटा? चलिए जी, ये देखिए सबसे पहले कैश इन हैंड बताओ किधर आएगा और कौन से में आएगा, बताइए। डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, ये बताइए, ये बताइए, कैश में आएगा या बैंक में आएगा? डेबिट आएगा। कहाँ पे आएगा? कैश इन कैश हैंड, पर। डेबिट में कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ बिल्कुल, ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये बिल्कुल सही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन की तरह आएगा। ये बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, पहले ये तय करो। फिर कौन से कॉलम में क्रेडिट आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट साइड आएगा सर। और कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में, बैंक। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है ये भी। उसके बाद 2 तारीख को जो है, बताओ कहाँ जाएगा ये? दो तारीख वाली एंट्री कहाँ जाएगी, बताइए आप। टू सेल्स अकाउंट टू डेबिट। सेल्स जाएगा, डेबिट डेबिट साइड में जाएगा, किसमें? कैश कॉलम में। आपने मुझे बताना है तो साइड कौन सी और कॉलम कौन सा, ये बताना है बस। कारण तो आई बिलीव आप लोग ध्यान दे देंगे। तीसरा देखिए, डेबिट या क्रेडिट, कैश बुक में क्या होगा? डेबिट साइड बैंक कॉलम। बिल्कुल सही, डेबिट बैंक कॉलम, ये सोल्ड गुड्स फॉर चेक, डेबिट बैंक कॉलम। बिल्कुल सही है। आठ तारीख का बताइए, क्रेडिट बैंक कॉलम। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा? 9 तारीख, क्रेडिट बैंक कॉलम। बिल्कुल सही है।
बैंक्ड का मतलब क्या है यहां पर कोई बताएगा? एक ही वर्ड लिखा है, एक शब्द में वो क्या कहना चाह रहे हैं सोचिए बताइए। बैंक में डिपॉजिट क्या होगा? बिल्कुल 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 सही बात है, एकदम यही है। इसका मतलब है डिपॉजिटेड इन टू बैंक, तो ये दोनों तरफ आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, कर लेंगे इसको। तो इसके बाद 11 था, एक को 11 को देखिए, डेबिट बैंक कॉलम। डेबिट बैंक कॉलम। उसके बाद 16 तारीख पर आ जाइए, ये जो चेक है सेम डे बैंक हो गया है तो ये भी वही आ जाएगा, डेबिट बैंक कॉलम। ठीक है, 16 तारीख के बाद आपके पास है 20 तारीख, क्रेडिट कैश कॉलम। बिल्कुल सही है, एकदम सही। 22 तारीख को बताइए, क्रेडिट बैंक कॉलम। बिल्कुल सही है। मैं देखो लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है रिपीटेशन है, खामखा आपका टाइम खराब करूंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। 24 बताओ, क्रेडिट बैंक कॉलम। बहुत बढ़िया, दूसरा बच्चा भी जवाब दे रहा है, बहुत अच्छे। 28 का बताओ, डेबिट कैश कॉलम। डेबिट कैश कॉलम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल, यहाँ दो चीजें, सर 28 तारीख इसमें को क्रेडिट और दोनों आएंगे। ये तो कॉन्ट्रा हो गया, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे। डेबिट कॉलम में कौन आएगा? बैंक से निकाला है तो डेबिट में आएगा, कैश में आएगा, और क्रेडिट में बैंक में आएगा, ठीक है ना। और ये पर्सनल यूज के लिए निकाला है आपने, ठीक है, ये बैंक में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा, ड्रॉइंग के नाम से, ठीक है। तो दो पार्ट है। 30 तारीख को बताओ, क्रेडिट 28 वाला बैंक कॉलम। 28 वाला समझ में आ गया ना? दोबारा तो नहीं समझाना, बता देना अगर आना समझाना हो तो। अच्छा, 30 तारीख आपने बताया बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्या बोला? क्रेडिट बैंक कॉलम। नहीं, ये डेबिट होगा, बैंक ने कलेक्ट किया है बेटा। देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से इसको, इधर आ जाओ सारे बच्चे। बैंक ना आपको डिफरेंट सर्विसेज देता है, बैंक आपको वैरायटी ऑफ सर्विसेज देता है, सर वैरायटी ऑफ सर्विसेज से मेरा क्या मतलब है? वैरायटी ऑफ सर्विसेज से मतलब है बेटा बैंक आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, बैंक आपके बहुत सारे काम करता है। उसमें से एक बैंक ने कहा, एग्जाम्पल, बैंक ने कहा आपके जो शेयर्स हैं यार, आपने कोई और सिक्योरिटीज ले रखी है, यानी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हमें बता दीजिए, हम उस पे जो भी ब्याज मिलेगा ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है उसे हम कलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे कलेक्ट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो आप ये बैंक हमारे लिए कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके हमारे खाते में जमा कर देगा, तो एक तो हमारी ये इनकम है तो, और इसका पैसा आया है हमें, ठीक है, कलेक्ट किया ना बैंक ने हमारे लिए, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या आएगा बेटा? डेबिट में आएगा, बैंक कॉलम में, कलेक्टेड है, ठीक है, बताइए।
इसके बाद 31 तारीख को बताइए। क्रेडिट कैश कॉलम। बिल्कुल सही। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया। आइए मैं और क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन और फटाफट देख लें इसका, फिर ब्रेक दे देंगे आज के लिए। हाँ जी बेटा, अभी आपको इसमें मैं आगे नहीं लेकर जा रहा, इसमें आगे ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने, उसके बाद कैशबुक का आगे का चैप्टर हम करेंगे खत्म। ठीक है, कैशबुक का आगे का चैप्टर बाद में कवर करेंगे। बीच में एक चैप्टर आ गया है, इसका कलर कैसे बदल गया, मैंने तो ब्लैक किया था, ये रेड कैसे हो गया पता नहीं, शायद वो सिलेक्शन वगैरह में हो गया होगा, ऐसे हो सकता है क्या, मैं जरा देखूं। अच्छा कमाल है, आप कलर बदल सकते हैं, ऐसे मुझे पता ही नहीं था, मैं सोच रहा था ये कलर कैसे बदल गया। चलिए छोड़िए, वापस आइए। तो मैं आपको क्या कह रहा था, हमने आपको इस चैप्टर को बीच में रोक के, आपको अभी कैशबुक बनानी आ गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट बनानी आ गई है, कुछ बचा नहीं है अगर मैं कहूं तो, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको आती नहीं है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में उन चीजों का यूज होगा, तो हमें पहले उन चीजों को समझना है। तो आपके साथ हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंटिंग, यानी जर्नल। जर्नल का एक एक्सटेंडेड पार्ट बनाया गया जिसमें जीएसटी को समझाया गया है, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, जीएसटी। जीएसटी को समझाया गया एक नया पार्ट बनाकर, क्लियर है बच्चे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, एक नया पार्ट बनाया गया है जर्नल के चैप्टर में, यानी जर्नल का आपका चैप्टर नंबर 9 है आई थिंक आपकी बुक में, डीके गोयल के अंदर। जर्नल कौन सा है, जर्नल आई थिंक चैप्टर 9 है, देख लेना, जर्नल का चैप्टर 9 है। तो चैप्टर जो 10 है ना वो जीएसटी पर है, ये जीएसटी वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब एक प्रॉब्लम है, ये वाला चैप्टर स्टार्ट हमें करना है बट अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आगे डिटेल आउट कर सके इसको, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, मैं आपको इसके बारे में कुछ छोटी मोटी एक आध बात बता देता हूं। पहले तो जीएसटी यानी टैक्स है, तो टैक्सेस आपके ना दो टाइप के होते हैं, टैक्सेस बेसिक कुछ बता रहा हूं आज, बाकी कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ छोटी मोटी बातें आपको समझनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर पेमेंट एंड इट्स बर्डन इज ऑन
इंडिविजुअल, इसमें पेमेंट भी और अल्टीमेट बर्डन भी दोनों ही किसके ऊपर आते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर आते हैं। इसमें क्या होता है दूसरे वाले में, पेमेंट इज डन बाय समवन एल्स, बट अल्टीमेटली बोर्न बाय इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक में क्या कहा मैंने, दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं यहां, पेमेंट और बर्डन जो है दोनों इंडिविजुअल पर होता है, खुद करता है वो, और यहां पे पेमेंट तो कोई और कर रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है, बट बर्डन जो है बॉन्ड कौन कर रहा है, इंडिविजुअली कर रहा है इसको। जैसे एग्जांपल, आप क्या करते हैं, आपने कॉलगेट परचेज किया। आपको पता है कॉलगेट जब परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, या कोई भी प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हो। जैसे मेरे पास भी कोई प्रोडक्ट तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि कुछ दिखा दें। क्या दिखा सकते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है। हाँ, ये है एक एक दवाई का डब्बा है, मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा यहाँ पे कैमरे में। यहाँ पे ना जैसे मैं पढ़ लूँ पहले, तो क्या है, हाँ इसमें एमआरपी लिखा है 120 128 का, और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इस 128 रुपए में टैक्सेस भी शामिल हैं। अब आप ये जब मेडिसिन खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो क्या करते हैं आप, मेडिसिन जो मेडिकल की शॉप है उसको 128 रुपए देकर आ जाते हैं। क्या आप वो 128 रुपए में जो टैक्स शामिल है, मानो उसमें 5-7 रुपए का टैक्स भी है, तो क्या वो 5-7 रुपए का टैक्स आप गवर्नमेंट को खुद आप खुद देने जाते हैं क्या? नहीं, उसको जमा कौन कराता है, गवर्नमेंट को कौन करा रहा है, वो मेडिकल वाला, वो मेडिकल की शॉप जो चला रहा है वो पर्सन जमा कराता है। पर कट किसकी जेब से रहा है, वो खुद अपनी जेब से नहीं देता, आपसे लेता है और फिर देता है। यानी पे तो कर रहे हैं आप, पर डायरेक्टली नहीं पे कर रहे, आप डायरेक्टली नहीं पे कर रहे, पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, इनडायरेक्टली आपकी जेब से जा रहा है, इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट से जा रहा है टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आपने सैलरी अर्न की, लेट सपोज सैलरी इनकम आई आपकी, तो आपके नाम पे आप जमा करा देते हैं इस पर टैक्स, किसको करा देते हैं, गवर्नमेंट को। तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, डायरेक्टली आप एज एन इंडिविजुअल अपनी सैलरी की इनकम पर जो भी टैक्स बना डायरेक्टली जमा करा दिया। तो जाना तो दोनों में ही आपकी जेब से है, एक में सीधे रूप से जा रहा है, एक में इनडायरेक्टली जा रहा है। कहने को दुकान वाला कहेगा टैक्स मैंने जमा करा दिया गवर्नमेंट को, क्या टैक्स उसने जमा कराया, नहीं उसने हमसे लेकर फिर गवर्नमेंट को जमा कराया, यानी गया हमारी पॉकेट से। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो क्या हो गया बेटा डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। बात क्लियर है क्या, बताइए ये सभी बच्चों को। बोलिए, जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, जवाब नहीं आया किसी का भी। क्या ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात समझ में आई किसी को? जानवी देखो होल्ड पे है, बाकी बच्चा को जवाब देगा नहीं, है ना, दिक्कत भी तो है ना, जानवी तो होल्ड पे है, बाकी कोई जवाब कौन दे,
समझ में आया नहीं आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, इतना ही हो सकता है। बताइए। बेटा मैं जवाब मांग रहा हूं आप लोगों से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें, मैं एक और छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा आज, ठीक है। एक चीज और, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आपका जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ये टैक्स दोनों पे लगता है। आप गुड्स परचेज करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, उस पर भी जीएसटी लगेगा, और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो उस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो दोनों पर है। ये जो करंट सिनेरियो है, यानी इन प्रेजेंट ऐसा हो रहा है, पास्ट में पता है क्या होता था? गुड्स पर जो टैक्स है ना, वो स्टेट्स लगाती थी। उसका पैसा अधिकार तो सेंटर के पास ही था, बट उसका पैसा स्टेट के पास जाता था, और जो सर्विसेज थी उन पे जो टैक्स लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। तो इसका भी स्प्लिट है, सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों ने, बट अभी ज्यादा समय नहीं है तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं। अभी बस इतना ही समझो, ये गुड्स पर भी यही लगता है और सर्विसेज पर भी यही टैक्स लगता है। सिंगल टैक्स बनाने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नई चीज है आप लोगों के लिए। एज एन कैरियर बहुत अच्छा है जीएसटी, फ्यूचर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, आगे इसकी काफी डिमांड है, तो आप अगर इसमें एक्सपर्टाइज लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। तो अभी से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को हम अब आपकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं और आपसे कल मिलते हैं इस चैप्टर के साथ, ठीक है जी? बताइए क्या ओके है बात मेरी? बोलिए। ब्रेक ले लें क्या जी अभी? मंजीत ब्रेक ले लें भाई। ठीक है, चलिए। तो मैं आपका होमवर्क क्या है, आपको आज कैश बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपका होमवर्क भी बता देता हूँ, आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का। आपने कैश बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, सिंगल और या फिर डबल कॉलम हो, कैश बुक हो, दोनों में से कोई भी उसके करने हैं। ये तो अकाउंट्स का हो गया आपका, और बिजनेस स्टडीज में आपने एच यू एफ है ना, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग, नेचर, फीचर्स एंड लिमिटेशन, ये आपने रिवाइज करना है। हमने पढ़ाया था आपको, ये आपने रिवाइज करना है। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो बता देना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भिजवा दूंगा उस बच्चे को, ठीक है? चलिए, तो आई बिलीव आज के लिए हम सेशन बंद कर सकते हैं, आपसे कल मिलते हैं अब, ठीक है?